नमस्कार, स्वागत है दैनिक भास्कर का यूट्यूब चैनल उत्तराखंड यूपी में आपका। मैं उधम सिंह नगर रुद्रपुर से अपने सहयोगी महेंद्र पोखरी के साथ भास्कर पोखरियाल। खास खबर ये कि दीपावली का पर्व जहां हर जगह बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, वहीं तराई में भी इस पर्व पर कहीं भी किसी तरह की जो है लॉकडाउन की मार नहीं देखी जा रही है। हालांकि जिला मुख्यालय रुद्रपुर में थोड़ा सा 18 अक्टूबर की जो लगातार जो 48 घंटे की बारिश हुई है, उससे कुछ लोग प्रभावित भले ही हुए हों, लेकिन सरकार ने उस मामले को बड़ी मजबूती के साथ काबू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को काबू करते हुए बहुत बेहतरीन ढंग से इसको नियंत्रण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसमें सभी अधिकारी सफल भी पाए गए। अब फिलहाल देखा जाएगा तो कल जैसे दिवाली है और आज जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ी है, उसको नियंत्रण करने के लिए सीओ ट्रैफिक के साथ एसपी सिटी ममता बोरा, एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर और डीआईजी के नेतृत्व में डॉक्टर नीलेशान भरने ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरह से क्षेत्रों में कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाम की स्थिति पैदा न हो। यातायात ट्रैफिक को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में ही एक रिपोर्ट हम लोगों ने ग्राउंड पर जब करी, तो आइए देखते हैं दैनिक भास्कर के साथ एक छोटी सी रिपोर्ट, एक नज़र। ओके, मैं हूँ दैनिक भास्कर के साथ अपने सहयोगी महेंद्र पोखरी के साथ भास्कर पोखरियाल। इस वक्त दीपावली के पर्व को देखते हुए जिस तरह से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने एक मीटिंग करी थी और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कहा था कि कहीं भी भारी भरकम के वाहन और जो मुख्य बाजार हैं उसमें स्थायी बंद होना चाहिए। इसी तरह से जिला प्रशासन में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर और जिलाधिकारी डॉक्टर रंजना राजगुरु ने भी एक विशेष योजना बनाई थी और ये कहा था कि रुद्रपुर के मुख्य बाजारों में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की बात करी थी। इन्होंने मुख्य बाजारों में भारी वाहनों का वास्तव में आवागमन बंद किया गया है और इससे अभी भीड़ भाड़ का कोई ऐसा माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह से त्यौहार की आज बात है, तो कल मुख्य त्यौहार कल है और आज नरका चतुर्थी के दिन को देखते हुए चला जाएगा, तो आज गुरुद्वारा सिंह सभा के बाहर से लेकर के और ये दुर्गा मंदिर गली से लेकर के मुख्य बाजार तक इन लोगों ने एक बहुत शानदार व्यवस्था यातायात को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जितनी बातें हो गई और तीन बैठकें जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी, यहाँ पर दो व्यापार मंडल हैं हम बता दें, एक कांग्रेस धड़े का व्यापार मंडल है, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, दूसरा भाजपा धड़े का व्यापार मंडल है, देवभूमि व्यापार मंडल। दोनों के पदाधिकारियों के साथ यही बात हुई कि त्यौहार संपन्न होना चाहिए। इसी के साथ एक नज़रिया ये देखते हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में।